Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. Major disease of the rice. देखिए कुछ मेजर फील्ड क्रॉप की डिजीज जो है हम डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइस की डिजीज को. देखिए राइस की जो सबसे पहली डिजीज है वो है ब्लास्ट. ब्लास्ट जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पायरोक्लेरिया ओराइजी. देखिए कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिस पैथोजन से जो है वो डिजीज कॉज होती है उसे कहा जाता है कॉजल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ब्लास्ट डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है पायरोक्लेरिया ओराइजी. एंड अ ब्लास्ट इज द फंगल डिजीज. फंगल डिजीज है मतलब फंगस से कॉज होने वाली डिजीज है ये. पायरोक्लेरिया ओराइजी जो है एक फंगस है. ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सिम्टम्स की. देखिए जो ब्लास्ट के सिम्टम्स होते हैं बेसिकली लीव्स, नोड्स, रेकिस और ब्लूम्स, इनमें जो है अपेयर होते हैं सिम्टम्स. और ये जो सिम्टम्स होते हैं लेजन्स के रूप में अपेयर होते हैं. लेजन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे जो है एनलार्ज होने लगते हैं अंडर द मॉइस्ट वेदर कंडीशन. और जैसे जैसे जो है डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है जो लेजन्स होते हैं वो एनलार्ज होने लगते हैं. देखिए ये वाला जो इमेज है, देखिए लीव्स में जो है ये लेजन्स अपेयर हो रहे हैं. देखिए ये देखिए इनका जो साइज है कुछ इस तरह से है. लेकिन दूसरे जो इमेज है यहाँ पे सीवियरिटी जब बढ़ने लगती है तो ये जो है एनलार्ज होने लगते हैं अंडर दी फेवरेबल कंडीशन. तो देखिए ये जो है इनका साइज एनलार्ज हो रहा है और इनका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है. ठीक है, ग्रे कलर के देखिए यहाँ पे हो रहे हैं. तो ये जो है सीवियरिटी है डिजीज की. जैसे जैसे जो है डिजीज स्प्रेड आउट होती है अपनी अपने इन्फेक्शन को जो है इंटेंस करती जाती है तो इनके जो साइज होता है लेजन्स का वो एनलार्ज होने लगता है. और देखिए जो थर्ड वाला इमेज है यहाँ पे देखिए जो गेन का नीचे वाला पोर्शन होता है ग्लूम पोर्शन उसे जो है ये इन्फेक्ट करने लगती है जिससे ग्रेन की जो क्वालिटी होती है वो डेटोरिएट हो जाती है और ग्रेन जो है वो आपके जो है वो भी इन्फेक्ट होने लगते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये इनके सिम्टम्स हैं जिस तरह से ये अपेयर होते हैं. अब देखिए सिम्टम्स जो है सिम्टम्स को अपेयर होने के लिए या फंगस को ग्रो होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. देखिए अगर लो नाइट टेम्परेचर है 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो दिस कंडीशन विल फेवर द ग्रोथ ऑफ फंगस एज वेल एज इट विल हेल्प टू स्प्रेड आउट द डिजीज इन द मेन फील्ड. तो ये कंडीशन जो है फेवर करती है फंगस के ग्रोथ को, डिजीज के जो इन्फेस्टेशन होता है उसको जो है फेवर करती है जो मॉइस्ट वेदर कंडीशन होती है. देखिए जो लो टेम्परेचर होगा वो बेसिकली क्लाउडी वेदर में या जो है मॉइस्ट वेदर में या रेनी सीजन में होगा लो टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी. उसके बाद एक और पॉइंट आता है, अगर एक्सेस जो है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फील्ड में अप्लाई हो रहा है या प्लांट को एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजन दिया जा रहा है दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर रीजन टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फंगस. जो एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजन होता है वो भी फंगस की ग्रोथ को जो है प्रमोट करता है ब्लास्ट डिजीज के जो ब्लास्ट डिजीज का जो इन्फेस्टेशन होता है उसको जो है प्रमोट करता है. ठीक है, तो ये जो है इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है. उसके बाद बात करते हैं कि जो ब्लास्ट डिजीज का जो इन्फेक्शन होता है ये बेसिकली जो है प्लांट के हर एक स्टेज में कॉज हो सकता है. मतलब राइस की अगर सीडलिंग स्टेज है या मैच्योरिटी स्टेज है तो सीडलिंग टू मैच्योरिटी ये किसी भी स्टेज में जो है प्लांट को अटैक कर सकता है. ठीक है, तो ये जो है बहुत ही मेजर डिजीज है राइस की और ये जो है बहुत ही ज्यादा हार्म जो है राइस की क्रॉप को पहुंचाती है. अब देखिए फेवरेबल कंडीशन के बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है एक पॉइंट आता है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेबल वैरायटी को ग्रो करना चाहिए. रेजिस्टेबल वैरायटी का मतलब होता है कि वो जो प्लांट वैरायटी होती है पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी वो पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेबल होती है. मतलब उन पे उस डिजीज का उन वैरायटी पे कोई भी असर जो है नहीं पड़ता नहीं होता है, वो जो है उस प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकती. दैट इज बेसिकली दी रेजिस्टेबल वैरायटी. तो रेजिस्टेबल वैरायटी कौन कौन सी है राइस की, वो है IR20, IR64. तो ये राइस की वैरायटी है जो कि ब्लास्ट डिजीज के लिए रेजिस्टेबल होती है, ब्लास्ट डिजीज को रेजिस्ट करती है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो मेथड होता है, सेकेंड मेथड होता है थायरम
थायरम और कैप्टान का एप्लीकेशन। देखिए थायरम और कैप्टान का एप्लीकेशन बेसिकली सी ट्रीटमेंट दिया जाता है, सी ट्रीटमेंट थायरम और कैप्टान का, ताकि जो है ये फंगस को कंट्रोल किया जा सके, इसके इन्फेस्टेशन को जो है प्रिवेंट किया जा सके। तो इसका जो एप्लीकेशन दिया जाता है वो 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड दिया जाता है थायरम और कैप्टान का। ठीक है, तो ये जो है इसके मैनेजमेंट है। तो ये थी ब्लास्ट डिजीज। अब मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट डिजीज के लिए। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है ब्राउन लीफ स्पॉट, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी इज द पैथोजन विच कॉज द डिजीज ब्राउन लीफ स्पॉट इन राइस। ये राइस की सेकेंड डिजीज है, जो कि बेसिकली एक फंगस डिजीज है। ये भी एक फंगल डिजीज है जो कि फंगस से कॉज होती है, जो है हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वो एज अ माइनूट स्पॉट जो है अपेयर होते हैं लीव्स पे, लीव ब्लेड पे, लीव शीथ पे और ब्लूम पे। देखिए जो इमेज है ये वाली, देखिए जो माइनूट स्पॉट है, देखिए बहुत ही माइनूट है। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है इनके ये जो स्पॉट्स होते हैं ये बेसिकली सिलेंड्रिकल, सर्कुलर और ओवल शेप के होने लगते हैं, और इनका जो कलर होता है वो येलो टू ब्राउन होने लगता है, येलो टू ब्राउन। जिस तरह से डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती है उसी तरह से इनके जो जो ये माइन्यूट स्पॉट होते हैं इनका साइज, इनका कलर जो है वो चेंज होने लगता है। और ये जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज है बेसिकली इट अटैक्स द राइस प्लांट फ्रॉम सीडलिंग स्टेज टू मिल्किंग स्टेज। देखिए ये जो ग्रोथ स्टेजेस होती हैं सीडलिंग टू मिल्किंग स्टेज, इस स्टेजेस में जो है बेसिकली ये जो डिजीज होती है, ये पैथोजन जो होता है राइस के प्लांट को अटैक करता है। ठीक है, और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है इसके सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे अपेयर होने लगते हैं प्लांट के ऊपर। तो ये थे सिम्टम्स। अगर बात करें इसके फेवरेबल कंडीशन की, तो इसके लिए जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो इट विल फेवर द ग्रोथ ऑफ फंगस। ये जो है हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी की जो ग्रोथ है या डिजीज के स्प्रेड आउट होने का जो रेट है उसको जो है ये प्रमोट करती है कंडीशन, अगर 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और अराउंड 80% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो ये जो है फंगस की ग्रोथ को, डिजीज के इन्फेस्टेशन को जो है फेवर करेगी। उसके बाद एक और पॉइंट कि नाइट्रोजन अगर फर्टिलाइजर एक्सेस अमाउंट में जो है फील्ड में अप्लाई किया जा रहा है, दैट विल ऑल्सो प्रमोट दी ग्रोथ एज वेल एज इन्फेस्टेशन ऑफ डिजीज। तो ये दो जो है फेवरेबल कंडीशन होती हैं ब्राउन लीफ स्पॉट के लिए। उसके बाद देखिए बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है टॉलरेंट वैरायटी, टॉलरेंट वैरायटी को ग्रो किया जाता है, जैसे भवानी, भवानी जो है टॉलरेंट वैरायटी है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस के लिए। देखिए इससे पहले हमने प्रीवियस स्लाइड में एक टर्म जो है यूज किया था रेजिस्टेंस, और यहाँ पे टर्म यूज हुआ है टॉलरेंट। देखिए इनके बीच का डिफरेंस क्या है, अगर मैंने कहा टॉलरेंट वैरायटी, देखिए टॉलरेंट वैरायटी का मतलब होता है जो ब्राउन लीफ स्पॉट है वो जो है प्लांट को अफेक्ट करेगा, अटैक करेगा, लेकिन प्लांट जो है उसके अटैक को टॉलरेट कर लेगा, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो अपेयर नहीं होंगे, दैट इज बेसिकली टॉलरेंस। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो फंगस है वो राइस प्लांट को अटैक ही नहीं कर सकेगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उस डिजीज का उस पर्टिकुलर वैरायटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन द फंगस कैन नॉट अटैक दैट पर्टिकुलर वैरायटी विच इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंट वैरायटी। दोनों ही अलग टर्म है, दोनों ही बिल्कुल अलग टर्म है, तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं टॉलरेंट की बात कर रही हूं, मतलब मैंने यहाँ पे बात की भवानी, भवानी जो वैरायटी है वो एक टॉलरेंट वैरायटी है ब्राउन लीफ स्पॉट के लिए। इसका मतलब है कि जो भवानी राइस वैरायटी है उसको अगर ब्राउन लीफ स्पॉट अटैक करता भी है तो ये जो है इसमें सिम्टम्स अपेयर नहीं होंगे, जैसा कि एक ऑर्डिनरी वैरायटी में सिम्टम्स अपेयर होने लगेंगे। तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस। ठीक है, तो जो है टॉलरेंट वैरायटी ग्रो की जाती है, और देखिए सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है थायरम और कैप्टान का। थायरम और कैप्टान का 4 ग्राम
अराउंड 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है ब्राउन लीफ स्पॉट के लिए। ठीक है, तो ये जो है इसका मैनेजमेंट है। और बैलेंस्ड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन का जो एप्लीकेशन होता है उसे बैलेंस तरीके से दिया जाता है, या स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर जो होते हैं, जो बेसिकली नाइट्रोजन को स्लोली जो है फील्ड में रिलीज करते हैं, उनका यूज किया जाता है टू कंट्रोल दी ब्राउन लीफ स्पॉट और एनी फंगस विच इज बेसिकली हार्मफुल फॉर दी राइस क्रॉप। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्राउन लीफ स्पॉट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, नेक्स्ट जो डिजीज है राइस की वो है स्टेम रॉट, विच इज ऑल्सो अ फंगल डिजीज। फंगल डिजीज है जो कि कॉज होती है स्क्लेरोटियम ओराइजी से। स्क्लेरोटियम ओराइजी जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली स्मॉल ब्लैक लेसन्स फॉर्म होते हैं आउटर लीफ शीट में और इनर लीफ शीट में। देखिए, इसके जो लेसन्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। देखिए, ये वाला जो इमेज है, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर के लेसन्स अपेयर होते हैं जैसे ही सिम्टम स्टार्ट होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही सिम्टम सीवियर होने लगते हैं तो जो कल्म होता है, कल्म बेसिकली स्टेम पोर्शन होता है, वो कोलैप्स होने लगता है, और जो ओवरऑल प्लांट होता है दैट विल लॉच। लॉच का मतलब होता है कि प्लांट जो है टूट कर गिर जाता है बिकॉज ऑफ द रॉटिंग ऑफ द टिश्यू। जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, देखिए ये वाला जो इमेज है, जब इन्फेक्शन स्टार्ट होने लगता है, जैसे जैसे वो सीवियर होता जाता है, जो टिश्यूज होते हैं प्लांट के वो डेड होने लगते हैं, रॉट होने लगते हैं, और धीरे धीरे जो है जो कल्म है वो कोलैप्स हो जाता है, और जो प्लांट है वो बेसिकली गिर जाता है, मतलब वो विल्टिंग शो करने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है स्टेम रॉट के सिम्टम्स होते हैं, और इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो होती है इन्फेस्टेशन ऑफ लीफ हॉपर और स्टेम बोरर। अगर फील्ड में लीफ हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ रही है या स्टेम बोरर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट विल ऑल्सो कॉज द स्टेम रॉट। इनकी पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण जो है स्टेम रॉट के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। और एक और अनदर पॉइंट है, अगर एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजन या अनइवन डोज ऑफ नाइट्रोजन फील्ड में अप्लाई किया जा रहा है तो उसके कारण भी जो है स्टेम रॉट के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो क्रिएट होने लगती है। तो ये जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है स्टेम रॉट के लिए। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए, मैनेजमेंट के लिए डीप प्लोइंग की जाती है समर में। जो स्टबल होते हैं फील्ड में उनको जो है एलिमिनेट किया जाता है, ताकि जो है नेक्स्ट क्रॉप के लिए कोई भी जो है इन्फेस्टेशन या कोई भी जो है सॉइल में कोई भी इन्फेक्शन जो है वो ना हो। उसके बाद जो इरिगेटेड वाटर होता है, अगर किसी फील्ड से, इन्फेक्टेड फील्ड से इरिगेटेड वाटर आ रहा है दूसरे फील्ड में, तो उसे जो है बेसिकली उस इरिगेटेड वाटर को एलिमिनेट किया जाता है, उस इरिगेटेड वाटर को यूज नहीं किया जाता है। एक जो है क्लीन और क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर जो है यूज करना चाहिए, इन्फेक्टेड वाटर को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद सॉइल में जो है वेट कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सॉइल बेसिकली ड्राई होनी चाहिए, ताकि मॉइस्चर बेसिकली क्या करता है, मॉइस्चर फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है किसी भी फंगस को रैपिडली मल्टीप्लाई होने में और रैपिडली फील्ड में स्प्रेड आउट होने के लिए। तो सॉइल जो है वो ड्राई होनी चाहिए, ठीक है, उसमें जो है एक्सेसिव वेट कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो फंगस के ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो ये जो है मैनेजमेंट कंट्रोल होते हैं जो कि स्टेम रॉट के लिए किए जाते हैं, और इसमें बेसिकली जो है ड्रेनेज का जो है बेसिकली ध्यान रखा जाता है, कि अगर फील्ड में जो है डिजीज को रिपोर्ट किया जा रहा है तो फील्ड में सॉइल जो है वो बेसिकली उसमें एक्सेसिव मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज जो है फील्ड में होना चाहिए। तो ये जो है मैनेजमेंट जो कि बेसिकली स्टेम रॉट के लिए किए जाते हैं। तो ये है स्टेम रॉट, विच इज ऑल्सो अ फंगल डिजीज ऑफ राइस। नाउ विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिजीज। देखिए, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है फूट रॉट, विच इज ऑल्सो नोन एज बेकिने डिजीज ऑफ राइस, और ये एक फंगल डिजीज है। फंगल डिजीज है जो कि कॉज होती है फ्यूजेरियम स्पीसीज से। देखिए, जो फूट रॉट के सिम्टम्स होते हैं बेसिकली बेसल पोर्शन से स्टार्ट होते हैं। जो इन्फेक्शन होता है बेसल पोर्शन को पहले अटैक करता है, एंड देन इट विल गो फर्दर टू दी अनदर पार्ट ऑफ दी प्लांट। देखिए, जो इसके सिम्टम्स होते हैं मेन फील्ड में अकर करते हैं, जैसे सीडलिंग नर्सरी में है अगर,
तो सीडलिंग्स जो है वो एक्सेसिव टॉल ग्रोथ शो करता है, जो स्टेम होता है वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है और वीक होता है, और सीडलिंग आफ्टर सम टाइम ऑफ इन्फेक्शन जो है सीडलिंग विल डाई इन द नर्सरी. तो जो सीडलिंग्स होता है वो इन्फेक्शन के कारण जो है रॉट हो जाता है, रॉटिंग जो है उसमें हो जाती है, टिश्यूज डेड हो जाते हैं एंड सीडलिंग विल परमानेंटली डाई इन द नर्सरी. उसके बाद देखिए जो प्लांट्स होते हैं, जो मेन फील्ड में प्लांट होते हैं, उनमें जब इन्फेक्शन कॉज होता है तो देखिए जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ही पुअर रूट सिस्टम डेवलप होने लगता है. जो रूट होती है वो फाइब्रस और बुशी अपीयरेंस शो करने लगती है, फाइब्रस एंड बुशी अपीयरेंस शो करने लगती है. तो दैट इज बेसिकली द सिम्टम ऑफ फूट रॉट डिजीज. देखिए बेसल पोर्शन में बेसिकली जो है इन्फेक्शन कॉज होता है, रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है. रॉटिंग का मतलब होता है डाइंग ऑफ द टिश्यू, टिश्यू जो है वो डिटोरिएट होने लगते हैं, डाई होने लगते हैं, और जो कि प्लांट को जो है वीक करने लगते हैं. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फूट रॉट, और वी कैन से बेकने डिजीज ऑफ राइस. इट इज ऑल्सो अ फंगल डिजीज. उसके बाद बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन की. देखिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है किसी भी फंगस को ग्रो होने के लिए, जैसे लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई मॉइस्चर कंडीशन, हाई क्लाउडी वेदर, रेनी वेदर, तो ये सारी जो है फूट रॉट डिजीज के लिए भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. उसके बाद इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं. देखिए जो फूट रॉट डिजीज है ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है, तो इसमें जो है सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है विद थायरम एंड कैप्टान या फिर कार्बेंडाजिम. देखिए इन तीनों को साथ में यूज नहीं किया जाता, ये तीनों इंडिविजुअली यूज किए जाते हैं. या थायरम यूज किया जाएगा, या कैप्टान किया जाएगा, या फिर कार्बेंडाजिम यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज केमिकल्स. ठीक है, तो देखिए ये जो केमिकल्स होते हैं ये 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के अकॉर्डिंग जो है इन्हें यूज किया जाता है. सीड की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है ये यूज होते हैं, लेकिन पर केजी. ठीक है, 1 केजी में 2 ग्राम थायरम जो है बेसिकली अप्लाई किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी फूट रॉट, और वी कैन से बेकने डिजीज ऑफ राइस. ठीक है, Now we'll move further towards the next disease. देखिए next जो disease है वो है bacterial disease. देखिए अभी तक जो disease हमने जो है discuss करी rice की वो fungal disease थी. ये जो disease है ये bacterial disease है जिसका नाम है bacterial leaf blight. देखिए bacterial leaf blight जो है वो Xanthomonas oryzae से cause होती है. ये एक bacteria से cause होने वाली disease है and Xanthomonas oryzae is the causal organism. ठीक है, अब बात करते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के सिम्टम्स के बारे में. देखिए बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बेसिकली लीफ पोर्शन को जो है अफेक्ट करता है, और देखिए लीफ में जो है येलो कलर के स्पॉट्स जो हैं वो अपेयर होने लगते हैं, और जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है ये सिम्टम्स जो है एनलार्ज होने लगते हैं. देखिए इनका जो साइज है वो एनलार्ज होने लगता है, और जो फोलिएज होता है वो बेसिकली ड्राई हो जाता है आफ्टर द सीवियर इन्फेक्शन. देखिए ड्राइंग ऑफ दी फोलिएज, तो बेसिकली ये लीफ पोर्शन को अटैक करता है और जो फोलिएज होता है वो ड्राई होने लगता है. ठीक है, उसके बाद देखिए क्रेसिक. देखिए क्रेसिक का मतलब होता है विल्टिंग. तो जो सीडलिंग होते हैं वो अगर सीवियर इन्फेक्शन है उनमें, या इन्फेक्शन अगर उनमें अगर पैथोजन ने अटैक किया है, तो इन्फेक्शन के कारण After 1 or 2 weeks of transplanting, के 1 or 2 weeks के बाद जो है वो क्रेसिक symptoms show करने लगते हैं, मतलब wilting symptoms जो है show करने लगते हैं. तो जो seedlings होते हैं वो field में wilt होने लगते हैं. Wilt का मतलब होता है वो जो है आपके wither होने लगते हैं. तो wilting symptoms जो है seedling show करता है after 1 or 2 weeks of transplanting. तो that is क्रेसिक word जो है basically bacterial leaf blight के लिए use होता है. ये जो है क्रेसिक का मतलब होता है wilting. ठीक है, wilting symptoms. तो ये जो है leaf blight में show होते हैं, जब जो है foliage dry होने लगता है, जब leaves जो हैं वो completely dry होने लगती हैं, तो plant जो है plant will die. Seedling will die after some time of infection. तो ये जो है इसके symptoms हैं. उसके बाद बात करते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में. देखिए फेवरेबल कंडीशन जो होती है इसके लिए टेम्परेचर, सबसे पहले 25 to 30 degrees Celsius का टेम्परेचर जो है इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होता है. और अगर हैवी रेनफॉल है
या क्लाउडी वेदर है या फ्लडिंग कंडीशन है फील्ड में, फ्लडिंग कंडीशन है, डीप इरिगेशन वाटर दिया जा रहा है, तो ये जो है सारी फेवरेबल कंडीशन होती है। उसके बाद अगर एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन, अगर एक्सेस एप्लीकेशन नाइट्रोजन का फील्ड में दिया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो द कॉज फॉर फेवरेबल कंडीशन फॉर द बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्लिपिंग ऑफ की जाती है। देखिए क्लिपिंग जो की जाती है, क्लिपिंग बेसिकली सीडलिंग में की जाती है, जो सीडलिंग प्लांट्स होते हैं, जो सीडलिंग्स होती हैं, उनको 1/3 पोर्शन जो होता है टॉप पोर्शन उसको रिमूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग। तो क्लिपिंग भी जो है फेवरेबल कंडीशन होती है इस बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट के इंफेस्टेशन के लिए, प्लांट को जो है अटैक करने के लिए जो है ये फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए जो मैनेजमेंट होता है बेसिकली उसमें फील्ड सैनिटेशन आता है, फील्ड को जो है क्लियर किया जाता है, एलिमिनेट जो इंफेक्टेड पार्ट्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाता है फील्ड से, फ्लडिंग कंडीशन को अवॉइड किया जाता है, बेसिकली फ्लडिंग कंडीशन को अवॉइड किया जाता है। जो रेजिस्टेंस वैरायटी होती है, ठीक है, रेजिस्टेंट वैरायटी होती है राइस की, उनको ग्रो किया जाता है, जैसे IR20, TKM6। TKM6 जो है ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए रेजिस्टेबल वैरायटी है, ठीक है। और जो स्टबल्स होते हैं उनको जो है एलिमिनेट किया जाता है फील्ड से। तो दीज आर सम मैनेजमेंट फॉर द बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरियल डिजीज ऑफ राइस। Now we'll move further towards the next disease. देखिए next जो disease है rice की वो है rice tumoro virus. देखिए ये जो है एक viral disease है जिसका vector होता है green leaf hopper. देखिए green leaf hopper इसका vector है. Vector का मतलब होता है basically जो disease को transmit करता है, ठीक है, transmit करता है और उसके infestation को severe करता है। तो यहाँ पे अगर डिजीज जो है रैपिडली स्प्रेड हो रही है फील्ड में, तो उसका रीजन होगा ग्रीन हॉपर की पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। देखिए जो राइस टुमरो वायरस डिजीज होती है या टुमरो डिजीज जो होती है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली लीफ में अपेयर होते हैं, और ये येलो टू ऑरेंज कलर की जो है बेसिकली सिम्टम्स अपेयर होते हैं लीफ में। डिसकलरेशन बेसिकली स्टार्ट होता है और इंटरवेनियल क्लोरोसिस, इंटरवेनियल क्लोरोसिस मतलब जो लीव्स होती हैं उनका डिसकलरेशन स्टार्ट होता है और वो जो है बेसिकली येलो टू ऑरेंज कलर जो है शो करने लगती है, ठीक है। इंटरवेनियल क्लोरोसिस का मतलब ही होता है डिसकलरेशन ऑफ द लीव्स। देखिए यहाँ पे जो यंग लीव्स होती हैं वो जो है मॉटल्ड होने लगती हैं और ओल्ड लीव्स में जो है रस्टी वाइट स्पॉट्स, देखिए इस तरह से जो है ये वाला जो है रस्टी वाइट स्पॉट्स जो है ओल्डर लीव्स में अपेयर होने लगते हैं जो ओल्ड लीव्स होती हैं, ठीक। तो ये बेसिकली इसके सिम्टम्स होते हैं राइस टुंग्रो वायरस के। और पुअर रूट सिस्टम जो है इसमें डेवलप होने लगता है। देखिए जो इन्फेक्शन होता है ये जो टुंग्रो वायरस कहता है, ये सीडलिंग स्टेज एज वेल एज मेन फील्ड दोनों ही स्टेजेस में जो है ये प्लांट को अफेक्ट कर सकता है और प्लांट को अटैक कर सकता है। देखिए जो ये टुमरो वायरस है बेसिकली इसमें जो है पैनिकल फॉर्मेशन जो है हिंड्रेस होने लगता है, या पैनिकल जो है फॉर्म नहीं होंगे अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में इंफेक्शन जो है अगर कॉज हो रहा है। अगर देखिए पैनिकल फॉर्मेशन जो है, पैनिकल फ्लावर अरेंजमेंट जो होता है, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो फॉर्म नहीं होगा अगर प्लांट में बहुत ही अर्ली स्टेज में जो है इन्फेक्शन अकर कर रहा है, तो पैनिकल फॉर्मेशन जो है नहीं हो पाता है प्लांट में। तो टुमरो वायरस एक मेजर डिजीज है राइस की और बहुत ही हार्मफुल डिजीज है। तो ये टुमरो वायरस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्टर, ये आप जो है याद रखेंगे, इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन रेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप टुमरो वायरस डिजीज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको वेक्टर इसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला फील्ड सैनिटेशन। देखिए फील्ड सैनिटेशन और जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है ग्रीन हॉपर की, वो फील्ड से एलिमिनेट होनी सबसे पहले जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ग्रीन हॉपर को एलिमिनेट करना फील्ड से, क्योंकि ग्रीन हॉपर ही है जो डिजीज को जो है ट्रांसमिट करता है। तो देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए जो है डिजीज के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो है टॉलरेंट वैरायटी ग्रो की जाती है। टॉलरेंट वैरायटी जो होती है क्रॉप की, जैसे BM66,
BM68, ठीक है, IR50, CO45, ये जो है कुछ रेजिस्टेबल वैरायटी है टुमरो वायरस के लिए। तो ये जो है बेसिकली ग्रो की जाती है, सॉरी नॉट रेजिस्टेबल, टॉलरेटेबल वैरायटी, ठीक है। रेजिस्टेबल अलग होती है, टॉलरेटेबल अलग होती है। तो दीज वैरायटीज आर टॉलरेटेबल टुवर्ड्स राइस टुंग्रो वायरस। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में जो है, जो केमिकल मैनेजमेंट किया जाता है उसमें जो है फोस्फोमिडॉन का 500 ml या फिर मोनोक्रोटोपोस का जो 1 लीटर ऑफ पर हेक्टेयर जो है एप्लीकेशन दिया जाता है, ठीक है, 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, और या फिर नीम ऑयल 3%, नीम ऑयल का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है टू कंट्रोल दी वेक्टर इन दी मेन फील्ड, और 15 to 13 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जो है, ये बेसिकली ये जो मेथड है वो 15 to 30 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जो है अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है मैनेजमेंट है, जो केमिकल एप्लीकेशन दिया जाता है फील्ड में टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ऑफ वेक्टर, और वेक्टर क्या है, वेक्टर है ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है। तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली फोस्फोमिडॉन और मोनोक्रोटोपॉस का यूज किया जाता है, या फिर 3% नीम ऑयल को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो है एप्लीकेशन है। और अदर फील्ड सैनिटेशन मेथड जो है वो जो है मैनुअल मेथड्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जिसमें जो है जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है फील्ड से, जो स्टबल्स होते हैं, जो भी सीडलिंग्स इन्फेक्टेड होती हैं उन्हें नर्सरी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो दीज आर सम बायोलॉजिकल मेथड जो कि डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसके इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं। तो ये था राइस टुमरो वायरस।